लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। भाजपा अब तक 6 सूची जारी कर चुकी है। भाजपा ने रविवार को जब 5वीं सूची जारी की तो इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए, तो वहीं एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई, या यूं कहें कि जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। भाजपा ने जब 5वीं सूची जारी की तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस बार भाजपा ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से भाजपा के उम्मीदवार वरुण गांधी नहीं, बल्कि इस बार इस सीट से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी होने से पहले वरुण गांधी के करीबियों द्वारा 4 सेट पर्चा खरीदने की बात सामने आई थी, लेकिन उस वक्त उनके समर्थकों ने दावा किया था कि पार्टी वरुण गांधी को टिकट देगी। अब पार्टी द्वारा टिकट काटने की दशा में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वरुण गांधी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसका जवाब तो वरुण गांधी को ही पता होगा, लेकिन साल 2019 के चुनाव में वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। इस चुनाव में वरुण को 7,04,549 वोट मिले थे, तो वहीं हेमराज को 4,48,922 वोट मिले थे। सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जितिन प्रसाद के सामने वरुण गांधी खुद खड़े होते हैं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पीलीभीत में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। वरुण अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं? अगर वरुण गांधी इस सीट से लड़ने का फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद और भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर मंगलवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का भी प्रस्ताव दे दिया है। बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें यानी कि वरुण गांधी को यहाँ यानी कि कांग्रेस की पार्टी में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी एक साफ सुथरी छवि है, गांधी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, मुझे लगता है कि उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट यह भी है कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस उन्हें अमेठी या फिर रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस ने अभी इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा से टिकट कटने के बाद सांसद वरुण गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि वरुण गांधी काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी भी संभावना है कि वो पीलीभीत सीट से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।